तो फाइनली गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में, जिसकी काफी सारी लीक्स निकल कर सामने आ चुकी है। और दोस्तों रेडमी के सीईओ ने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है, रेडमी का पहला बजट कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन जो कि होने वाला है रेडमी नोट 9 प्रो, जिसमें कि आपको 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर जो कि 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और उसके साथ ही यहां पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro में आपको ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि Redmi Note 8 के जैसा ही होने वाला है, जिसमें कि आपको 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Redmi ऑलरेडी ये चाइना में अपने बहुत सारे 5G डिवाइसेस को लॉन्च कर चुकी है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 9 Pro में आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको मोस्ट प्रोबेबली स्नैपड्रैगन के 735 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला 13 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और उसके साथ ही फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। अब वही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों Redmi Note 9 सीरीज में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था, वहीं Redmi Note 8 Pro में हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है। तो दोस्तों इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि Redmi Note 9 Pro में हमें 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि Mi CC 9 Pro में हमें देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहां प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेली फोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहां पर आपको MIUI 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि रन करेगा एंड्रॉइड 10 के सपोर्ट के साथ। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 15,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलने वाला है, जैसा कि Redmi Note सीरीज हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइसिंग 14,000 से 15,000 रुपए करीबन देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें